बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं, ये है टोयोटा विट्स 2012 मॉडल। व्यूअर्स, आज आपको मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, गाड़ी की प्राइस के बारे में बताऊँगा, गाड़ी की लोकेशन के बारे में बताऊँगा, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि आप अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये गाड़ी किस तरह ख़रीद सकते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल शान सेलर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ बिला नागा मौसूल होती रहें। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की गाड़ी की जानिब। व्यूअर्स, आज की जो ये गाड़ी है, ये है टोयोटा विट्स 2012 मॉडल। व्यूअर्स, अगर इसकी माइलेज की बात कर ली जाए तो व्यूअर्स तकरीबन 77,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। व्यूअर्स, अगर इसकी फ्यूल की बात की जाए तो व्यूअर्स गाड़ी जो है पेट्रोल पे है। कंडीशन की बात की जाए तो जिस व्यूअर्स जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत साफ है। व्यूअर्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो व्यूअर्स गाड़ी इस्लामाबाद नंबर पर रजिस्टर्ड है। व्यूअर्स, अगर इसके इंजन की बात की जाए तो व्यूअर्स इंजन बिल्कुल 10/10 है, ओके हालत में है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर गाड़ी के टायर्स की बात की जाए तो व्यूअर्स गाड़ी के टायर्स 10/10 है। व्यूअर्स, अंदर सीट्स वगैरह की और इंटीरियर की बात की जाए तो व्यूअर्स बिल्कुल लश इंटीरियर है। इसके अलावा व्यूअर्स गाड़ी के एसी की अगर बात की जाए तो एसी बिल्कुल परफेक्ट है और वर्किंग हालत में है, चिल्ड एसी है। व्यूअर्स, सीट्स की अगर बात की जाए तो व्यूअर्स इसकी जो पोशिश है वो बहुत आला हुई हुई है। अब व्यूअर्स अगर गाड़ी की एवरेज की बात की जाए तो व्यूअर्स गाड़ी जो है तकरीबन 16 किलोमीटर जो है शहर के अंदर अंदर पर लीटर देती है, और लॉन्ग पर जो है 18 से 20 पर लीटर दे देती है। अब व्यूअर्स गाड़ी की अगर फाइल की बात की जाए तो व्यूअर्स गाड़ी की फाइल और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके है। गाड़ी फर्स्ट ओनर कार है। इसके अलावा गाड़ी किसी भी किस्म के मेन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं रही है। व्यूअर्स, कोई भी गाड़ी ख़रीदने से पहले आपने गाड़ी में तीन चीज़ें लाजमी देखनी है। सबसे पहले गाड़ी का मेन एक्सीडेंट ना हुआ हो। नंबर दो, गाड़ी के लाइफ टाइम टोकन और फाइल और डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है गाड़ी की 1.5 क्लियर कराना। व्यूअर्स, गाड़ी की 1.5 लाजमी क्लियर होनी चाहिए। गाड़ी की 1.5 अगर क्लियर नहीं है तो कभी भी आप वो गाड़ी ना ख़रीदें। गाड़ी ख़रीदने से पहले व्यूअर्स ये तीन चीज़ें आपने हमेशा जहन में ज़रूर रखनी है। व्यूअर्स, चलते हैं अब गाड़ी की कॉलिंग प्राइस की जानिब। तो व्यूअर्स, इस गाड़ी की जो कॉलिंग प्राइस है ये है तकरीबन 17 लाख रुपए। जी हाँ व्यूअर्स, गाड़ी की कॉलिंग प्राइस 17 लाख रुपए है, और गाड़ी के ओनर का कहना है कि आप अपने साथ डेंटर पेंटर कोई भी ला सकते हैं और गाड़ी की मुकम्मल तसल्ली कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, गाड़ी की जो ये प्राइस है ये नेगोशिएबल है, यानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। आप अपने साथ कोई भी एक्सपर्ट बंदा लेकर जाएं और इस गाड़ी को मुकम्मल डिटेल से चेक करने के बाद गाड़ी के सौदे की तरफ बढ़ें। तो व्यूअर्स, आप अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गाड़ी का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके गाड़ी के ओनर से रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस गाड़ी के बारे में बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर लेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल शान सेलर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मजीद वीडियोज बिला नागा मौसूल होती रहे। व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।